एक जनगिया में एक गांव आता है, मोस्टली बैकवर्ड है। और सर मेरी परफॉर्मेंस का राज मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और सर होल राइटिंग फैमिली है, क्योंकि सर ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर सर ये जो प्लस पॉइंट है डाइट डिसिप्लिन, सर ये ज़्यादातर वर्क करते हैं डिसिप्लिन पर। तो ये बताइए, मतलब अगर पिछले एक साल की बात करें, पता था कि स्पीड ब्रेकर्स आ रहे इस क्लास में, 10 मिनट्स के बाद पता चलता था कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ाते थे, और स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं था कि टॉपिक क्या है। और सर स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। सर मैंने पिछले 2 महीने में प्रिपरेशन की, और सर मैंने स्टडी मटेरियल जो है पिछले 2 महीनों में लाया था, जब कुछ लॉकडाउन में कुछ राहत मिली तभी मैंने वो स्टडी मटेरियल लाया था। और माँ बाप भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि आप कर सकते हो ये चीज़। कितनी मेहनत की आपने पिछले 1 या 2 साल में तभी जाके इतना अच्छा रिजल्ट? सर बहुत ज़्यादा, हम सर मैं रात को कभी पढ़ती थी सर, बहुत ज़्यादा ये किया मैंने। तो अब आपका क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मेरी फ्यूचर प्लानिंग है जर्नलिस्ट, टू बी अ जर्नलिस्ट। अच्छा, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? सर मेरे फैमिली को कभी ये एक्सपेक्ट था ही नहीं कि मैं इतने अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ और इतना मतलब वेलकम को प्राउड फील करवा सकती हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगी फर्स्ट वीक। यहाँ पर जो फर्स्ट आते हैं दैट्स ऑलवेज टाउन गर्ल, नेवर एवलेट कैम हियर फर्स्ट। तो आप थोड़ा दूर आना कैसे आते हैं, हर काफी डिस्टेंस है, रास्ता खराब है, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे, क्योंकि लॉकडाउन भी था और कितना आपको पैदल चलना पड़ रहा है, कितनी मुश्किलें आपको आती थी? सर मैं सोचती थी कि मैं कर सकती हूँ कुछ तो मैं कर सकती हूँ। मैं अपने आप अंदर से ये दिलासा देती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सर बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा सर, ना ही कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल था, बट ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा राहत मिली हमें। आखिर पे कुछ आप कहना चाहते हो ताकि और भी बच्चे ऐसी ही मेहनत करें, वो कामयाब रहें? सर मैं कहना चाहती हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और स्लोनेस होनी चाहिए, इसकी वजह से जो है आज के लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे बच्चों ने एक और बार स्कूल का, पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन किया। तो हमारी जो टॉप पोजिशन है वैली में, 500 फुल मार्क्स हमने अचीव किए हैं, रौनक बच्ची का नाम है। और बाकी का रिजल्ट भी अगर आप देखोगे, हमें 5 बच्चे हैं जिन्होंने 498 सिक्योर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैग भी किए हैं 277 डिस्टिंक्शंस, वो ओवरऑल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अगर हम देखें कि जिस माहौल से हम गए, पहले आर्टिकल वजह से स्कूल्स बंद रहे, फिर पैंडमिक की वजह से स्कूल्स बंद रहे, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और एक्चुअली अगर हम देखें स्टूडेंट कम्युनिटी जो थी, दे वेर द वर्स्ट हिट, क्योंकि बाकी प्रोफेशंस या बिजनेसेस या बाकी जो भी था वो तो थोड़ा बहुत जैसे भी करके चल पड़ा, मगर जो स्टूडेंट्स थे उनने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और ऊपर से जो हमारा इंटरनेट का जो स्पीड था 2G, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने, और ख़ासकर जो हमारे टीचर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के, बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की। एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो थे, हम सुबह 7:30 से उनको स्टार्ट करते थे शाम के 7:30 तक। और जिन भी बच्चों से मेरी, जो भी अभी हमारे टॉपर बच्चे रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो मैम जो आपका स्कूल और आपके, वही मैं आपसे और अर्ज कर रही हूँ कि हमने सुबह 7:30 हम स्टार्ट कर रहे थे शाम के 7:30 तक। मेन वजह हमारा यही रहा कि हर एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे थे और स्मार्टफोन या बाकी कोई डिवाइस सबके पास नहीं था। तो हमने जो टाइमिंग रखी थी इस हिसाब से कि हर एक बच्चे को फ़ायदा मिले। तो कोई बच्चा अपना 7:30 क्लास करता था, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। तो इसमें मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने प्रिंसिपल सर का, मैनेजमेंट का, टीचर्स का, जिन्होंने कोई शिकायत नहीं की, जिन्होंने कुछ भी कभी नहीं बोला कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम दिन में 12-12 घंटे पढ़ा रहे हैं। तो और हार्ड वर्क पेस, और डेफिनेटली जो आप रिज़ल्ट अभी देख रहे हो, दिस इज़ all because of the hard work of the teachers, the parents, the students. Kya message?